अपने अंदर की प्रतिभा को कैसे खोजें? आज इस वीडियो में इसका जवाब मिलके ही रहेगा। बहुत ट्राई कर लिया आपने अपने अंदर की पैशन को खोजने का, बहुत भटक लिया आपने, अब मैं आपको भटकता हुआ नहीं देख सकता, बस बहुत हो गया। इस वीडियो के बाद अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है इसका जवाब पूरी तरह से मिल जाएगा आपको, इसलिए पूरे वीडियो जरूर देखना। टीचर, मैं अपने जिंदगी में सफल बनना चाहता हूँ, मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा? सफल। तो फिर तुम्हें एक ही चीज करने की जरूरत है और वो है अपने पैशन को खोज निकालना। ये क्वेश्चन आपने जिस जिस से पूछा होगा सब आपको यही कहते हैं, अपने अंदर की प्रतिभा को खोजो। सबसे मुख्य बात तो कोई बताता ही नहीं कि कैसे खोजूं भाई। सब बोल तो देते हैं कि टैलेंट को खोजो, अंदर की प्रतिभा को जगाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे, आखिर कैसे। और दूसरी बात ये कि पैशन या टैलेंट ये आपके अंदर जन्म से ही है और जस्ट उसे खोजने की जरूरत है। बहुत सारे सवालों को आपने मुझसे पूछा है, अगर सच्ची बात कहूँ, रियलिटी के बेस पे बात करूँ, किसी फिल्मी तरीके से नहीं पर रियलिटी देख के बात करूँ, तो हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमें अपने जिंदगी में क्या करना है। कोई पूछता है कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो आप ये सोचते हो कि मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, कुछ तय ही नहीं किया। कि आप ये सोचते हो कि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई पैशन है ही नहीं। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता ही नहीं जिसे हम सच में पैशन कह सके। आपको ये लगता होगा कि जिंदगी में तो बहुत कुछ है मजेदार करने को, पर पैशन किसे कहूँ। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेस करते हैं जो स्कूल या कॉलेज में है। स्कूल और कॉलेज में हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और खराब बात यह है कि स्कूल या कॉलेज वाला यही टाइम होता है जब दुनिया हमें कहती है अपने करियर को चुनने को, अपने पैशन को खोजने को, आपके अंदर की प्रतिभा या कहिए कि अपने अंदर की पैशन, इसको किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके खोजने की जरूरत नहीं है। वो कहीं दूर पहाड़ों के उस कोने पे नहीं है। असल बात यह है कि पैशन आपके आंखों के एकदम पास है और उसे आपको जस्ट पहचानने की जरूरत है। ध्यान देना, खोजने की नहीं पहचानने की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आप अपना फेवरेट शर्ट खोज रहे हो और बाद में आपको ये पता चला कि आप वही शर्ट पहने हुए हो और तब से चिल्ला रहे हो कि मेरी शर्ट कहाँ है, कि मेरी शर्ट कहाँ है। खोजना और पहचानने में बहुत अंतर है। खोजना उसे पड़ता है जो आपसे बहुत दूर है और पहचानना उसे पड़ता है जो आपके बिल्कुल सामने है। पैशन को जिस तरह हुआ बनाया गया है ना, असल में वैसी चीज वो नहीं है। अब आप कहोगे तो पैशन या अपने टैलेंट मतलब अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानूं? आप कहोगे कि हाँ मैं समझ गया, इसे कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है पर पहचानने की जरूरत है। तो ये बताओ आखिर उसे कैसे पहचानूं? क्योंकि अगर आपने उसे पहचान लिया तब आप ऐसे ऐसे काम करके पैसा कमा सकते हो जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, जिसे सीधी भाषा में पैशन कहते हैं। पैशन से जुड़ी हुई और एक बात सोसाइटी में पहले से फैली हुई है, ये कहा जाता है कि एक इंसान की एक ही पैशन हो सकता है। आप ये जान लो कि आपके अंदर के टैलेंट मल्टी डायमेंशनल है, यानी आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट भी हो सकता है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल इंसानों को देखोगे तो आप ये देखोगे कि उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। अभी सुन के आपके अंदर शायद ये बात आए कि यार ये गामा क्या कह रहा है, बहुत सारे टैलेंट, एक से ज्यादा टैलेंट, पर मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर एक भी टैलेंट है। देखो यही तो होता है, असल में आप जो अच्छे से कर सकते हो उसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं होता। जैसे मान लो किसी पार्टी में गाना बज रहा है और आप ऐसे ही जस्ट यूं ही नाच रहे हो, आपकी सामान्य बाकियों जैसे नाच रहे हो, पर उधर से एक लड़का आता है और आपको ये कहता है यार तेरी डांस तो सबसे अलग है यार, तू मस्त डांस करता है यार। इस केस में आपको पता नहीं था कि डांस आपका टैलेंट है, आपने उसे बस पहचाना नहीं था, आपके बिल्कुल सामने था लेकिन आपने उसे पहचाना नहीं था। कितनी अमेजिंग बात है ना, कि आपके अंदर एक ऐसी चीज है। नहीं 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 नहीं, एक नहीं, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपको करोड़ों का प्रॉफिट दे सकता है और आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। मान लो आपने बचपन में किसी बड़े एक्टर को डांस करते हुए देखा, तब आपको डांस बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि आप लोगों से बातचीत करने में अच्छे हो, आपके अंदर किसी अनजान व्यक्ति से बात कर
करने की कला है। अनजान व्यक्ति से बात करना एक बहुत बड़ी कला है। इससे आप इतने पैसे कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि आपके अंदर एक्टिंग करने की कला हो और आपको पता भी ना हो। हो सकता है कि आपके अंदर एक स्पोर्ट पर्सन बनने की कला हो, आपके अंदर दौड़ने की जुनून हो। हो सकता है कि आप कंप्यूटर के मास्टर हो और आप कंप्यूटर चलाना और प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन है। और ये भी हो सकता है कि इन चीजों में से एक से ज्यादा टैलेंट आपके अंदर है। अब मैं आपको साइंटिफिक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बात आसानी से नहीं मिलती कहीं। अपने पैशन को पहचानने के लिए आपको सीधा सा काम करना होगा। ये जो पुरानी पैशन को खोजने वाली बात है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप खोजने लगते हो, आप सोचने लगते हो कि मेरा पैशन क्या है। पर पैशन को पहचानना अलग होता है। आपको ये मानना होगा कि आपके सामने चार छोटे छोटे चीनी के एक दाने के जैसे छोटे छोटे क्यूब रखे हुए हैं। इनमें अलग अलग फ्लेवर डाला हुआ है। एक नमकीन है, एक खट्टा है, एक तीखा है और एक मीठा है। जो मीठा वाला क्यूब है उसे आपको पहचानना है। ये जो चार क्यूब है ये जिंदगी के अलग अलग क्रिएटिव काम है, जैसे गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना और भी बहुत कुछ। तो अब सारे स्क्वायर दिखते तो एक ही जैसे हैं, लेकिन आप अपने पैशन को पहचानोगे कैसे? इसका सीधा सा रास्ता है, हर एक को ट्राई करके देखना। हर एक को अपने जीभ से सटा के देखो। बिल्कुल यही काम आपको अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजों को करके देखना है, और जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आए वो आपका पैशन है। और ये तब होगा जब आप अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करोगे। कुएं का मेढक बनके कोई फायदा नहीं, हर एक चीज को ट्राई करके देखना चाहिए। पर मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होगे कि ये कहना तो बहुत आसान है पर करना मुश्किल। मतलब मैं कह तो दे रहा हूँ कि अलग अलग चीजों को करके देखो, पर देखना आपको ऐसा फील होगा कि यार ये कितना मुश्किल काम है। अब इतने चीजों को करके देखना होगा पर इसका मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो इसका एक ही रास्ता है जिससे आपको अपने आप अलग अलग चीजों को देखने का मन करेगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो है आपको अपना डोपामिन यानी मजे की सोर्स को बदलना होगा। अब डोपामिन सुन के ये मत सोचना कि अब डोपामिन क्या कर रहे हो। सीधी बात समय बता पैशन के बारे में। बस भाई डोपामिन दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जो आपके अंदर मजे की भावना को उत्पन्न करता है। अभी आप अपने आप से सवाल पूछो, ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जो आपको मजे देता है? खाने में आपको मजा आता है ना? पर मैं अगर आपके दिमाग से डोपामिन निकाल दूं ना, तब आपके सामने खाना रखा रहेगा पर आप अपना हाथ भी नहीं उठाओगे उसे खाने के लिए। यही एक्सपेरिमेंट एक बार चूहों पर किया गया था। उन लोगों के दिमाग के अंदर की डोपामिन रिसेप्टर को बंद कर दिया था और उनके सामने खाना रख दिया था। वो चूहे मर गए पर खाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। क्यों? जब कोई मजा मिलना ही नहीं है तो भला क्यों खाना? सिंपल सी बात है। पर आजकल की दुनिया विचित्र हो गई है। आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि मजा पाना आजकल बहुत आसान हो गया है। आओ स्कूल से टीवी देखने बैठ जाओ, इतने सारे चैनल्स हैं, अनलिमिटेड मजा मिलेगा। पुराने जमाने में आपको डोपामिन यानी मजे पाने के लिए कुछ करना पड़ता था। आपको अपना घर बनाना पड़ता था, खाना ढूंढना पड़ता था, और पुराने जमाने के लोग ये सब करते थे। तब उनका दिमाग मजे से भर जाता था और उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि की फीलिंग आती थी और उनको इन्हीं चीजों में बहुत अच्छा लगने लगता था। जब ये लोग काम करते थे तब यही इनका पैशन बन जाता था। मतलब कुछ करना इनको मजा देता था। मजा आपको दो तरीके से मिलता है, कुछ बनाते या करते समय, और दूसरा है कुछ लेते समय। नशे करना, टीवी देखना, घर बैठे बैठे खाना मंगा लेना, सब कुछ लेते समय, मतलब बैठे बैठे आसान डोपामिन यानी आसान मजा, सस्ते मजे आपको देता है, जिसके चलते आपके शरीर और दिमाग को ये लगता है इसको तो हर चीज मिल रहा है। इसलिए आपका शरीर रिलैक्स करने लगता है और आप धीरे धीरे लेजी यानी आलसी बनने लगते हो। तो इस तरह सस्ते तरीके से मजे लेना और उस युग में जो काम करके मजे लेते थे, इन दोनों तरीकों में अंतर क्या है? वेल, अंतर ये है कि आप जो अभी मजे ले रहे हो वो किसी चीज की कंजम्पशन से आ रही है, मतलब किसी चीज की सेवन के चलते। और पहले के जमाने में जो लोग करते थे उनमें क्रिएशन के चलते मजा मिलता था, मतलब कुछ बनाने से, कुछ करने से। किसी भी चीज को पैशन होने के लिए वो सेवन की कैटेगरी में नहीं, कुछ बनाने की कैटेगरी में आनी चाहिए। जब आप कुछ कंज्यूम करके यानी किसी चीज का सेवन करके डोपामिन पाने की आदत डाल देते हो तो जानते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिक्शन, यानी किसी चीज की लत लग जाना। जैसे टीवी देखने की एडिक्शन, सिगरेट पीने की लत, जंक फूड खाने की लत और भी बहुत कुछ। और उसके उल्टा अगर आप क्रिएशन से यानी कुछ करके या कुछ बना के डोपामिन यानी मजा लेते हो और वो आपकी लत बन जाती है तो जानते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैशन। जैसे ड्राइंग करना, गिटार बजाना, म्यूजिक
बनाना, मेरी तरह वीडियोस बनाना और भी बहुत कुछ। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें जब आप कुछ करते हो तब आपको डोपामिन यानी मजा मिले, ना कि तब जब किसी चीज का कंजम्पशन यानी सेवन करे। पैशन क्रिएशन से होना चाहिए, कंजम्पशन से नहीं। नहीं तो कोई भी बोल देगा कि सिगरेट पीना मेरा पैशन है क्योंकि उसमें मुझे मजा आता है। अरे नहीं भाई, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तब आपको मजा आए और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अपने पैशन को आप प्रोफेशन में बदल सकते हो, मतलब अपने पैशन की मदद से नाम, पैसा, सब कुछ कमा सकते हो। अलग अलग चीजों को करके देखो और उन क्यूब्स जो दिखती एक ही जैसे हैं, जिसका मतलब है इतने सारे काम, उनमें से ये ढूंढो कि कौन सा मीठा है, मतलब किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब कि आपका पैशन। अभी तो आप चीजों को ट्राई करके पता लगाओगे, पर अभी तक, मतलब जितना अभी तक आपने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है उसके हिसाब से किस काम में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।